राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल डिवाइन दृष्टि में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन आ रही है तो हम सभी इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कल ही है रक्षाबंधन, तो कल ही है, आज 2nd of August है, 3rd को रक्षाबंधन है और हम सब इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारा पैसा है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारा भाई है, सब कुछ हमारा है और हम इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं फ्रेंड्स। पर फ्रेंड्स, क्या हम कभी किसी दूसरे के लिए भी सोचते हैं? हमें दूसरों के लिए भी सोचने का है कि दूसरे भी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। फ्रेंड्स, मैं आपको जो कुछ कहना चाह रही हूँ वो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जुगल किशोर जी ऑफिस से घर आए, उनकी पत्नी ने उन्हें चाय बना कर दी, चाय पीने बैठे। उनकी पत्नी ने कहा कि उनकी जो घर की काम वाली है कमला, वो छुट्टी पे जा रही है 2 दिन की, क्योंकि त्यौहार आया है और कमला की पोती का बर्थडे भी है तो वो जाना चाहती है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जाने दो। तो उनकी पत्नी ने कहा, जुगल किशोर जी की पत्नी ने कहा कि आपको मुझे थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी काम में। बोले हाँ बिल्कुल कर दूँगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, घर हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो फिर काम भी हमारा, दोनों का हम मिलजुल कर निकाल देंगे, जाने दो उसको घर। उनकी पत्नी कुछ कहना चाह रही थी तो जुगल किशोर जी ने कहा तुम क्या कहना चाहती हो, बोलो। बोले मैं चाह रही थी मैं कमला को 500 रुपीज़ दे दूँ। तो जुगल किशोर जी ने कहा पर हम तो उसको दिवाली के टाइम देते हैं। तो जुगल किशोर जी की पत्नी ने कहा आपकी बात तो सही है, पर आप मुझे बताओ कि हम लोग मतलब उसका गुजारा कैसे चलता होगा, वैसे ही उसको इतना पैसा तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से लॉकडाउन पीरियड के कारण भी उसकी काम नहीं कर पा रही थी, अभी 2 दिन से ही उसने काम पकड़ा है। तो मैं सोच रही थी वो घर जा रही है, उसकी पोती का बर्थडे भी है, तो वो अच्छे से सेलिब्रेट कर लेगी यदि हम लोग उसको हेल्प कर देते हैं। तो जुगल किशोर जी बोले देख लो, इस तरीके से तो वो सिर चढ़ जाएगी। तो उनकी पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है, आज हम जो पिज़्ज़ा खाने वाले थे ना, हम नहीं खाएंगे, हम उस पिज़्ज़ा की नहीं खाएंगे और वो रुपये मैं कमला को देना चाहती हूँ। तो जुगल किशोर जी बोले ठीक है, आज तो तुम मेरे पिज़्ज़ा को स्वाहा ही करोगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने चुपचाप कमला को 500 रुपये दे दिए और कमला त्यौहार के लिए चली गई। 2 दिन पश्चात कमला वापस आ गई और इधर ये जुगल किशोर जी बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे। तो कमला सफाई फाई कर रही थी, कमला काफ़ी उम्र की स्त्री थी तो जुगल किशोर जी भी उनको अपनी बुज़ुर्ग की तरह ही मानकर उनसे बातचीत करते थे। तो जुगल किशोर जी ने उनसे कहा आप जाके आ गई? उन्होंने कहा हाँ जी मैं आ गई। अच्छा, आप जो रुपए लेके गई थी वो सब ठीक से हो गया? बोले हाँ, उन 500 रुपये में से 150 रुपये तो मैंने अपनी पोती को दे दिए जिसका बर्थडे था, और फिर जितने भी बच्चे थे उनको मिलाकर 50-50 रुपये दे दिए, और आते आते मेरे पास 50 रुपये और बच गए थे तो वो भी मैंने अपनी पोती को दे दिया। मैंने कहा बेटा तुम्हारा बर्थडे है, 150 रुपये में तो उसकी फ्रॉक आ गई थी, तो मैंने 50 रुपये उसके हाथ में दे दिए। मैंने कहा अब तुम लो ये, तुम कुछ कर लेना। जब वो ये सारी बातें बोल रही थी तब जुगल किशोर जी सोच में पड़ गए, वो एक गहन सोच में पड़ गए कि देखो हम जो पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें 6 स्लाइसेस होती हैं और इसकी ज़िंदगी उन्हीं 500 रुपये में, इसने किस तरीके से अपने उन रुपयों को एडजस्ट किया कि वहाँ जाकर इसने सबको खुश भी कर दिया, सबका मन भी रख लिया और सबके लिए सामान भी दे दिया। तो पिज़्ज़ा की 6 स्लाइस और कमला की ज़िंदगी क्या एक हो गई? ये सोचते सोचते जुगल किशोर जी की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा देखो ज़िंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है, फ़र्क बस इतना ही है
कि जिंदगी जो रंग हमें दिखा रही है, इन रंगों में से हम अच्छे अच्छे रंग चुनकर अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनमें उसको वितरित कर दें, और जो खुशियां हम चाहते हैं वो खुशियां उनको भी देने का, उनको भी लेने का अधिकार दे दें। इससे क्या होगा कि हमें भी और प्रसन्नता मिलेगी। जुगल किशोर जी यही सोच रहे थे कि मेरी पत्नी ने मेरे से ज़िद करके 500 रुपये दिए, और ये जो 500 रुपये का खर्च इसने मुझे बताया उसको सुनकर मेरे को बहुत, मेरे आत्मा को बहुत खुशी मिल रही है। यदि वही कमला यदि दुखी होकर वापस आती, अपनी पोती को कुछ दिए बिना, अपनी उसका जन्मदिन मनाए बिना, राखी मनाए बिना, और आ जाती तो मुझे कितना दुख होता। तो इसलिए जो कुछ भी हमारा है वो तो हमारा है ही, पर यदि हम उसमें दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो जो कुछ भी हमारा है उसमें जो हमें खुशी होती है वो हमारी खुशी द्विगुणित हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। सी यू फ्रेंड्स।